हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी फॉर योर वे बाय शाली। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया है, आज हम मैग्नेट बनाएंगे जिन्हें हम फ्रिज मैग्नेट के यूज तरह भी यूज कर सकते हैं, होम डेकोर की तरह भी यूज कर सकते हैं और गिफ्टिंग आइटम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जो मैग्नेट्स हैं वो बनाते हैं। आज हम इन मैग्नेट्स को बनाने के लिए एमसील का यूज करेंगे। एमसील का जो भी हम आइटम बनाते हैं, जब हम इसे क्राफ्ट में यूज करते हैं, तो इसके जितने भी आर्टिकल होते हैं वो काफ़ी स्ट्रोंग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो ब्रेकेबल इतनी जल्दी ब्रेकेबल नहीं होते हैं। तो इसमें भी हमारे दो ही पार्ट होते हैं, एक हार्डनर और एक रेजिन। इन्हें दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना होता है। इन्हें भी हम टेलकम पाउडर की हेल्प से ही मिक्स करते हैं। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद में जब इसका कलर ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक होने के बाद में ही हम इन्हें यूज करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सेफ बनाएंगे। तो सेफ की जो हम बॉडी है, बॉडी को बनाने के लिए एक ओवल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक OHP शीट ली है और उसके ऊपर ही हम इसे बनाएंगे। कि इस पर बनाने का मेन रीज़न ये है कि जब हम OHP शीट पर रखकर इसे बनाएंगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे उतारने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ईजिली इसे रिमूव हो जाएगी। और इसके जो फेस है, फेस को हम जो फेस वाला पार्ट है सेफ का, सेफ के फेस वाले पार्ट को हम राउंड शेप देंगे थोड़ा सा उस बॉडी से ऊंचा करके, और फिर उसे उसी ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। इसमें हमें जब हम एमसील के साथ में कोई वर्क करते हैं तो ग्लू की इतनी नीड नहीं होती, विदाउट ग्लू ये अच्छे से पेस्ट हो जाता है। और दोनों हैंड बनाएंगे। हैंड बनाने के बाद में हम जो आगे का पाम वाला पार्ट है उस पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में जो इसकी नोज है, नोज बनाएंगे और नोज को हम राउंड ही बनाएंगे। राउंड बनाने के बाद जो इसकी मुस्टैच है, मुस्टैच को हम बनाएंगे, उस पर हल्का हल्का सा जैसे मुस्टैच वाला टेक्स्चर होता है वो टेक्स्चर देंगे। यहाँ पर मैंने क्राफ्ट नाइफ का यूज किया है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो, टूथपिक का भी यूज करके आप इस पर ये टेक्स्चर दे सकते हो। फिर जो इसका हेयर है, हेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम जो सेफ कैप होती है, सेफ कैप को बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके छोटे छोटे से दोनों साइड में हेयर लगाएंगे। हेयर लगाने के बाद में अब हम इसके बो वाला पार्ट है, जो बो को क्रिएट करेंगे और फिर इसके शूज बना देंगे। हमारे यहाँ पर सेफ बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर सेफ लेडी बनाएंगे। सेफ लेडी भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, बस जो हमें इसका थोड़ा ध्यान रखना है, जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें जो बीच वाला पार्ट है उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ रखेंगे, और जो सेफ लेडी के हेयर है, हेयर को थोड़ा सा हम लंबा करेंगे और सिर्फ नोज बनाएंगे। लिप्स को हम कलर के साथ ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि सेफ लेडी है तो इसमें तो हम इसकी मुस्टैच बनाएंगे नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर फेस को ऐसे ही बना के रखेंगे, और जो भी हमें इसमें करना है वो सब हम कलर की हेल्प से करेंगे। और सेम इसका प्रोसेस ऐसे ही रहेगा जैसे हमने सेफ बनाया है। और जब हमारा ये सब दोनों बनकर रेडी हो जाएंगे, इसे जो हमारी एमसील का वर्क है, एमसील को ट्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट लगती है, बट फिर भी आप इसे हाफ आज के लिए ट्राई होने के लिए छोड़ सकते हो, वो उसमें काफ़ी अच्छे से हार्ड हो जाती है। जब हमारी ये दोनों चीज़ हार्ड हो जाएंगी तो हम इस पर बेस कोट करेंगे। बेस कोट में हम इस पर वाइट कलर को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें हमें सेफ की ड्रेस है, जो सेफ की ड्रेस को हमें वाइट ही रखना है, तो इसलिए हमें वाइट कलर अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ पर हमें सेफ की ड्रेस रखनी है वहाँ पर हम डबल कोट करेंगे और बाकी को हम सिंगल कोट में ही रहने देंगे, क्योंकि जो फेस है, फेस पर हमें स्किन कलर करना है, बो पे हमें रेड कलर करना है, और शूज को हमें ब्लैक कलर से कलर करना है। तो इसलिए जो और बाकी हैं उन सबको हम ऐसे ही छोड़ देंगे वाइट कलर के साथ में, और उसे डबल कोट में अप्लाई करेंगे। और एक और चीज़, जो सेफ लेडी है, सेफ लेडी की जो पॉकेट वाला पार्ट है, पॉकेट वाले पार्ट को भी हम स्किन कलर से ही कलर करेंगे, वो देखे फिर उसे हम ब्लैक कलर के साथ में आउटलाइन कर देंगे, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। और जब हमारे ये सब कलर हो जाएंगे तो जो सेफ मैन है, सेफ मैन की मुस्टैच और हेयर को हम ब्लैक कलर से करेंगे, और जो बो है बो को रेड कलर से करेंगे, और शूज को भी हम ब्लैक कलर से ही करेंगे। बस जो सेफ की कैप है, कैप के नीचे से में भी हल्के हल्के से हेयर निकलते हुए दिखाने हैं,
उन हेयर को भी हम जो जीरो नंबर या वन नंबर के ब्रश की हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि हमें जो हेयर है वो ज़्यादा बिखरे हुए नहीं दिखाने, बहुत हल्के से कैप के नीचे से निकलते हुए दिखाने हैं। और जो सेफ लेडी है उसके लिप्स हम रेड कलर से करेंगे, और जो हैंड में सेफ लेडी ने कैरेट ले रखी है, कैरेट को हम हल्का सा कैरेट कलर से कलर करेंगे, और फिर उसके बाद में जो इसके शूज़ हैं वो सब कर देंगे। और जो आइज है, आइज को मैं ब्रश के जो बैक वाला पार्ट है उससे बनाऊंगी, हल्का सा डॉट लगाना है हमें आइज के लिए, कुछ ऐसा नहीं करना है, बस हल्का सा डॉट लगाना है। और जो इनके बटन वाला पार्ट है, बटन को भी हम ब्लैक कलर से ही कलर करेंगे। फिर उसके बाद में जो सेफ लेडी है, सेफ लेडी का भी हम जो आइज है उन्हें भी हम ब्लैक कलर से इसी तरह से डॉट लगा देंगे। इसमें जो सेफ की कैप है उस पर हम नाम भी लिख सकते हैं, मैंने अभी नाम कुछ नहीं लिखा है, जैसे अगर हमें किसी के लिए बनाना है, किसी को गिफ्टिंग देना है, तो उसका हम नाम लिख सकते हैं कैप पर, वो लिखने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद में हम इन पर वर्निश अप्लाई कर देंगे। वर्निश अप्लाई करने का मेन रीज़न ये है कि हमारा जो भी क्राफ्ट आइटम है वो सिक्योर रहेगा। अब हम अपनी सेकंड मैग्नेट की ओर चलते हैं। सेकंड मैग्नेट वुड हाउस वाली मैग्नेट बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक हाउस बनाएंगे जो हल्का सा, जैसे वुड से हल्का सा बैंड हुआ होता है उस तरह से बनाएंगे, और ऊपर की तरफ में हम दो हेयर वाला इफेक्ट देंगे। और अब हम सबसे पहले जो इसमें हमें बर्ड लगानी है, बर्ड को बनाएंगे, और बर्ड बनाने के बाद में हम इसकी जो स्टिक है, जो वुड वाली स्टिक है जिस पे हाउस लगेगा वो वाली, वो बनाएंगे। उसके लिए हम इसे रोल करेंगे, और रोल करने के बाद में इसे हम हल्का सा बैंड करता हुआ शेप देंगे, जैसे एक वुड का इफेक्ट होता है। और इसे फिर इफेक्ट, वुड वाला इफेक्ट देने के लिए हल्का सा हम इसे टेक्सचर देंगे। मैं यहाँ पर जो हमारा क्राफ्ट नाइफ है उसकी हेल्प से दूंगी, आप टूथपिक की हेल्प से भी इस पर वो वाला इफेक्ट दे सकते हो। और जब हमारा ये हल्का सा बैंड हो जाएगा तो नीचे की साइड में एक बहुत छोटी सी ब्रांच निकलती हुई शो करेंगे, जिससे ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे सच में एक वुड वाला इफेक्ट आ रखा है। और फिर इस पर भी हम सबसे पहले एक बेस कोट करेंगे वाइट कलर की, क्योंकि इसमें हमें वाइट कलर जो कलर करना है वो कलर करेंगे, क्योंकि हमारा जो एमसील का कलर है, एमसील का कलर ब्लैक है, तो हम इस पर डायरेक्ट कलर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस पर वाइट बेस कलर करेंगे। और जो हमारी इसकी वुड स्टिक है, इसे हम वुडन वाला लुक देने के लिए पहले ब्राउन कलर से करेंगे, फिर हल्का सा उसके ऊपर लाइट ब्राउन करेंगे, फिर वाइट कलर का टेक्सचर देंगे। और जो बर्ड है, बर्ड को मैं येलो कलर से कलर कर रही हूँ, हाउस में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। पहले पूरे को हम येलो कलर से अप्लाई करेंगे, फिर हल्का सा इसमें रेड कलर का टेक्सचर देंगे, तो रेड कलर को हम इस पर पूरे पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और एक साथ मर्ज कर देंगे। जो इसमें हटका डोर और विंडो है उन्हें दोनों को हम येलो कलर से कलर करेंगे, और इसके आइज बना देंगे। फिर उसके बाद में जो तो हट के हमने रूफ़ बनाई है, रूफ़ के लिए हम ब्लैक कलर को अप्लाई करेंगे, और जो इसमें हमने लाइनिंग दी है डोर में और विंडो में, उसमें भी हम हल्का हल्का सा ब्लैक कलर का टेक्सचर देंगे। फिर हम जब ये हमारा ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद में इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे, क्योंकि एक बर्ड हमें इसमें बैठे हुए दिखानी है, दूसरी बर्ड हमें इसमें हैंग करी हुई दिखानी है, तो हट और बर्ड दोनों को हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। और जो हमारी बर्ड है, बर्ड में जो दूसरी वाली बर्ड है जिसे हमें हैंग करना है, उसमें हम थ्रेड डाल के उन्हें ऊपर इस पर जो हमारी वुड वाला स्टिक है इस पर स्टिक कर देंगे, और फिर नीचे की साइड में जो उसके पैर हैं बर्ड के, उसके लिए हम बिट्स डाल देंगे। जब हमारा ये ड्राई हो जाएगा, तो ड्राई होने के बाद में हम इस पर वर्निश अप्लाई करेंगे, और फिर बैक में मैग्नेट लगा देंगे। मैग्नेट लगाने का सेम प्रोसेस है, यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगा रही हूँ, फैब्रिक ग्लू से भी अच्छे से पेस्ट हो जाती है और वो उतरती नहीं है। बस हमें यहाँ पर जब मैग्नेट लगाना है तो उसे 5 to 6 hours के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना है। और अब हम अपनी थर्ड मैग्नेट की ओर चलते हैं। थर्ड जो मैग्नेट है वो हम यहाँ पर एक कोकोनट बनाएंगे। कोकोनट को की शेप देने के लिए हम इसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसे राउंड करेंगे, और नीचे से पतला ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ बनाएंगे। फिर इसे ऊपर से हम हल्की हल्की सी शेप देंगे, और ऊपर की तरफ बैंड करके फिर ऊपर से हल्का सा फ्लैट करेंगे।
रेड करने से ये कोकोनट की शेप में आ जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो अपनी एक शेप ले लेगा। और जो स्ट्रो वाला पार्ट है जहाँ पर हम स्ट्रो डालते हैं कोकोनट में, वहाँ पर हल्का सा हम किसी भी चीज़ से होल कर देंगे। स्ट्रो को भी हम एम सील से ही बनाएंगे और फिर इसमें पुश कर देंगे जिस टाइम पे ये ड्राई ना हो ज़्यादा, तो इसे हमें पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से इसमें अपने आप ही इजली पेस्ट हो जाएगा। अब इस पर जो कलर करना है, थोड़ा सा हमें कलर का ही ध्यान रखना है। जो कोकोनट पर हम कलर करेंगे वो जो ग्रीन कलर आता है, डार्क ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर करने के बाद में फिर हम इस पर वाइट कलर का हल्का सा टेक्सचर देंगे और फिर उसके बाद में हम इस पर लीफ ग्रीन कलर करेंगे, तो बिल्कुल जो कोकोनट वाला कलर है वो कलर आएगा। और जो कोकोनट की ऊपर वाली शेल है उस पर हम जो स्किन कलर हमने बनाया था वही कलर करके फिर ब्राउन कलर से हल्का सा टेक्सचर देंगे, तो हमारी जो कोकोनट वाली मैग्नेट है वो बनकर रेडी और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो आपको आज के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू क्राफ्ट के साथ। एवरीवन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।